हेलो एवरीवन, सैमसंग ने लॉन्च किया है अपना गैलेक्सी S20 फैन एडिशन। तो इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन और आईफोन 11 को, और देखेंगे कि कौन सा फ़ोन परफॉर्मेंस के मामले में बेहतरीन साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस फ़ोन को ख़रीदना चाहते हैं तो उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो वीडियो शुरू करते हैं, उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि दोनों ही फ़ोन सपोर्ट करते हैं वायरलेस चार्जिंग को, लेकिन S20 में आपको मिल जाता है रिवर्स चार्जिंग का सपोर्ट। आपको चार्जर मिलता है 25 वाट का। कंपनी कहती है कि 30 मिनट में आपकी बैटरी 50% इससे चार्ज हो जाएगी। बात करें अगर आईफोन 11 के चार्जर की, तो ये भी सपोर्ट करता है 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को, और कंपनी ये भी कहती है कि 30 मिनट में आपका फ़ोन 50% चार्ज हो जाएगा। बात करें अगर दोनों ही फोन्स में डिस्प्ले की, तो सैमसंग गैलेक्सी S20 में आपको मिल जाता है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जबकि आईफोन में आपको एक नॉर्मल साइज स्क्रीन देखने को मिलता है और इस मामले में पीछे छूट जाता है। लेकिन अगर बात करें दोनों ही फोन्स में सिक्योरिटी की, तो iOS 14 के अपडेट के साथ एप्पल का 11 सैमसंग के S20 को पीछे छोड़ देता है। आईफोन 11 में आपको स्क्रीन थोड़ी डल दिख सकती है सैमसंग गैलेक्सी के कंपैरिजन में, क्योंकि सैमसंग में लगा है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इसीलिए आपको थोड़ा सा परफॉर्मेंस में अंतर दिखाई देगा दोनों ही फोन्स की स्क्रीन्स में। अगर बात की जाए दोनों ही फ़ोन्स में सॉफ्टवेयर की, तो iOS 14 के साथ आईफोन 11 मैकबुक के साथ काफ़ी कंफर्टेबल हो जाता है। इसी तरह से सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशंस के साथ काफ़ी अच्छा हो जाता है। दोनों ही फ़ोन्स में आपको डस्ट रेसिस्टेंट और वाटर रेसिस्टेंट की सुविधाएँ भी मिल जाती हैं। अब अगर बात करें दोनों ही फ़ोन्स में बैटरी परफॉर्मेंस की, तो दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी अच्छे दिखते हैं, लेकिन सैमसंग में आपको कुछ ज़्यादा बैटरी मिल जाती है आईफोन 11 के कंपैरिजन में, इसीलिए ये दोनों फ़ोन्स परफॉर्मेंस के मामले में काफ़ी अच्छे हैं। आप ज़्यादा टाइम तक इन दोनों फ़ोन्स को इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्कुल फ्लॉलेसली। आईफोन 11 में आपको मिलता है A13 बायोनिक चिप, जबकि इंडिया में सैमसंग ने लगाया है एक्साइनोस का प्रोसेसर, इसीलिए इस मामले में परफॉर्मेंस के मामले में आईफोन 11 सैमसंग से ज़्यादा भारी पड़ सकता है। बात करें अगर बिल्ड क्वालिटी की, तो दोनों ही फ़ोन बिल्ड क्वालिटी में काफ़ी अच्छे हैं और प्रीमियम हैं। अगर अब बात करें मेन फोकस कैमरा की, तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का कैमरा, लेकिन सैमसंग ने कैमरा में इस बार काफ़ी इम्प्रूवमेंट किया हुआ है और आपको स्लो मोशन देखने को मिल जाता है आईफोन 11 में। और अगर बात की जाए फुटेजेस की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा डे और नाइट फोटोग्राफी के लिए काफ़ी अच्छा है अगर कंपैरिजन करें आईफोन 11 के साथ में। कैमरा के मामले में दोनों ही स्मार्टफोन्स काफ़ी अच्छे हैं। नाइट फोटोग्राफी के लिए आपको सैमसंग बढ़िया पड़ेगा आईफोन 11 के कंपैरिजन में, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि एक साल पहले लॉन्च हुआ था आईफोन 11 और एक साल बाद लॉन्च हुआ है S20 फैन एडिशन, तो आप थोड़ा सा कंपैरिजन कर ही सकते हैं कि आईफोन और सैमसंग गैलेक्सी में कौन सा बढ़िया है। मेरे ख्याल से सैमसंग इस बार जीत जाता है आईफोन 11 से कैमरा के मामले में। अगर लॉन्च डेट के हिसाब से देखा जाए, तो आईफोन 11 एक साल पहले लॉन्च हुआ था सैमसंग गैलेक्सी S20 फैन एडिशन से, लेकिन तभी भी सैमसंग से कुछ मामलों में आईफोन ज़्यादा है और सैमसंग कुछ मामलों में आईफोन से भी ज़्यादा है। अब अगर बात करें दोनों ही फ़ोन्स में सिक्योरिटी की, तो सिक्योरिटी के मामले में आईफोन जीत जाता है सैमसंग गैलेक्सी से, लेकिन कुछ मामलों में सैमसंग आईफोन को पीछे छोड़ देता है, जैसे कि कैमरा, डिस्प्ले और बैटरी जैसी चीज़ों में सैमसंग ज़्यादा है आईफोन 11 से, लेकिन और सारी चीज़ों में आईफोन हमेशा से ही अच्छा रहा है सैमसंग से। तो इस फ़ोन में भी आपको दोनों ही कंपैरिजन में आपको ये चीज़ मालूम चल जाएगी कि सैमसंग इस बार आईफोन से ज़्यादा है। लेकिन वेट करिए, अभी अक्टूबर के महीने में आईफोन लॉन्च करेगा आईफोन 12, तभी हम कंपैरिजन कर सकेंगे दोनों ही फ़ोन्स के एक्चुअल परफॉर्मेंस और एक्चुअल क्वालिटी की। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये कंपैरिजन वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दीजिए, ताकि इसी तरह से आपको टेक रिलेटेड कॉन्टेंट सबसे पहले मिलता रहे।